ऐसा होता है ना कि जब हम कभी थक जाते हैं, टूटने लगते हैं या हार मानने लगते हैं, तो जिंदगी से सवाल करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं कि यू आर नॉट फेयर, वाई मी, वगैरह वगैरह। पर आपको पता है, जिंदगी भी आपसे बात करती है, यूनिवर्स आपको उन सवालों का जवाब देता है। हाँ, शब्दों में नहीं, इशारों में, साइंस में। आपको बस उन इशारों को समझना होता है, दिल के कान से उसे सुनना होता है। और बस जब आप ये करने लगते हो ना, तो उस वक्त जो भी आपके साथ हो रहा होता है, एक तरह की ना एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ये जो भी हो रहा है किसी वजह से हो रहा है। इट ऑल स्टार्ट्स टू मेक सेंस। एक श्योरिटी आ जाती है कि यूनिवर्स के पास आपके लिए बड़ा प्लान है, एंड सो वी मेक पीस विद इट। चलो आपके साथ ना एक किस्सा शेयर करती हूँ। यूं तो छोटी सी बात है, लेकिन इसका जो रियलाइजेशन मुझे हुआ वो बहुत बड़ा था। लेकिन किंतु परंतु एक डिस्क्लेमर, अगर आप बहुत प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो ना, तो प्लीज़ ये कहानी बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि हो सकता है कि कहानी के एंड तक आप कन्वर्ट हो जाओ, मिरेकल्स और मैजिक में यकीन रखने लगो। पहले ही बता रही हूँ, फिर मत बोलना बताया नहीं। तो शुरू करें। तो बात कुछ साल पहले की है, बॉम्बे की। जी हाँ, बॉम्बे, मुंबई नहीं। क्योंकि देखो यार, मुंबई ना एक शहर है, पर बॉम्बे इमोशन है। माना कि मुंबई की चमक धमक में हर शख्स डूबा है, पर क्या करे, प्यार तो बॉम्बे पर ही आता है, वो जैसे जैसे पहली महबूबा है। अब देखो, बात तो एक ही है, बस नाम अलग अलग है। फिर भी न जाने क्यों वड़ा पाव, कटिंग, लोकल में ना बॉम्बे की झलक है। हाँ, माना किताबों में मुंबई लिखा है, पर क्या करें जनाब, जबां पर तो बॉम्बे चढ़ा है। मैप पर मुंबई होता होगा भले, पर दिल पर तो बॉम्बे छपा है, समझे? तो हाँ, कहाँ थे हम? सपनों का शहर बॉम्बे, बारिशों का मौसम। और इस सपनों के शहर में अगर बारिशें हो जाए ना, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना बाबा रे सपने से कम नहीं लगता, है ना? तो बात कुछ ऐसी है कि मेरा जो ऑफिस था ना, वो नवी मुंबई में था, और मेरा घर बॉम्बे साइड पवई में। तो रोज़ाना मेरे कॉलीग मुझे आधे रास्ते तक अपनी कार में ड्रॉप कर देते थे, और फिर वहाँ से मैं अपने घर पवई तक ऑटो, शेयरिंग कैब, कैब जो मुझे पहले मिल जाता था वो लेकर चली जाती थी। अब यूं तो बॉम्बे में बारिशों की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन उस दिन तो ऐसा लगा कि बादलों के कान में किसी ने जाकर फुसफुसा दिया हो कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, जितना बरस सकते हो बरसो। बादल फाड़ बारिश हो रही थी मतलब। तो एज यूजुअल मेरे कॉलीग ने मुझे आधे रास्ते ड्रॉप कर दिया, और फिर मैं ऑटो या कैब का वेट करने लगी। 2 घंटे हो गए, मतलब 8:30 बज गए रात के, और मैं छाता लेकर वहीं की वहीं खड़ी हूँ। कुछ खाली नहीं मिला, ना ऑटो, ना कैब, ना शेयरिंग कैब। हर तरफ बादल ही बादल, अंधेरा हो चुका था, और इसके साथ साथ सूरज भी अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा चुका था। पर मैं घर कैसे जाऊं? तो मैंने सोचा, घर तो जाना ही है कैसे भी, आज बस से ही चली जाती हूँ। अब मुझे इतना पता था कि वहाँ पे ना रात के 9 बजे के आसपास आखिरी बस जाती है, जो मेरी साइट तक जाती है। तो मैंने कहा, चल पूजा, आज तो कुछ भी हो जाए, ये तेरा आखिरी मौका है, ये बस तो पकड़नी ही है कैसे भी। तो मैंने इंतज़ार किया, वक्त आया, और साथ ही बस भी आई। वो ठीक मेरे आँखों के सामने सिग्नल पर खड़ी हुई है, लाल बत्ती चालू है, और मैं ऐसी तैयारी करने लगी जैसे कि जंग लड़ने जाना है। मैंने फटाफट से छाता बंद किया, जीन्स ऊपर चढ़ाई, बैग को टाइटली पकड़ लिया, और बस स्टॉप से आगे आते 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 ऑलमोस्ट सड़क के बीचों बीच आ गई कि ये बस मिस नहीं होनी चाहिए। सिग्नल खुला और मेरी नज़र मछली की आँख पर। बस आई, 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 और ये ड्राइवर मेरे सामने से बस को भगा कर लेकर गया, बिना बस को रोके, क्योंकि बस पूरी जैम पैक थी। मैं देखती रह गई कि ये क्या हुआ, कि ये क्यों नहीं रोके गया, कि ये मेरी लास्ट होप थी, कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी। उस टाइम मुझे उस ड्राइवर पे इतना गुस्सा आया, मन किया उसका मुंह तोड़ दूं, पर 10 सेकंड के अंदर अंदर वो गुस्से वाला इमोशन ना रोने वाले इमोशन में तब्दील हो गया, क्योंकि 3 घंटे हो चुके थे यार,
पूरी भीग चुकी थी, कुछ खाया नहीं था, भूख लग रही थी, शरीर पूरा टूट चुका था, बॉडी ने हाथ पैर जोड़ लिए थे कि भाई बहन घर पहुंचा दे कैसे भी। मेरा ऑलमोस्ट रोना निकल गया था, आसपास कोई भी नहीं था जिससे मदद मांगू, और मैं सोच ही रही थी कि अब क्या करूं। और इतने में मेरे सामने एक शेयरिंग कैब आकर रुकी, सरप्राइजिंगली पूरी खाली। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात क्या थी पता है, कि ये शेयरिंग कैब का टाइम था ही नहीं, कब का खत्म हो चुका था। ड्राइवर ने कहा कहाँ जाना है, मैंने कहा पवई, उसने कहा बैठो, मैंने कहा है जिंदगी ने एकदम से जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए। अभी तक एक भरी बस रुकने को तैयार नहीं थी, अब पूरी की पूरी खाली कैब मेरे सामने आकर खड़ी हुई है। मैंने भगवान को शत शत प्रणाम किया और फटाफट से जाकर कैब में बैठ गई। ड्राइवर ने थोड़ी देर वेट किया कि बाकी सवारी आ सकती है, पर क्योंकि इतना लेट हो चुका था कि उसे कोई सवारी मिली नहीं, और फिर गाड़ी हो गई स्टार्ट। अब मैं पैसेंजर सीट पर आराम से बैठकर मौसम और गाने एंजॉय करते करते आहा आराम से चली जा रही हूँ। अब जब आप पवई में एंटर करते हो तो सड़क ना दो लेन्स में डिवाइड हो जाती है, एक है सर्विस लेन और एक है मेन लेन। तो जैसे ही मेरी कैब पवई में एंट्री करती है, मैं क्या देखती हूँ, जो बस मेरे लिए रुकी नहीं थी वो सर्विस लेन के ट्रैफिक जैम में अटकी पड़ी थी, और यहाँ मेरी कैब चौड़ी वाली लेन से सर से करती हुई आगे निकल गई। मैंने सोचा थैंक गॉड ये बस मुझे नहीं मिली, क्योंकि अगर मैं इसमें होती मुझे घर पहुँचने में एक और घंटा लग जाता, क्योंकि सर्विस लेन में लंबा जाम था। और एक बात, अगर ये बस मुझे मिलती तो मुझे बाहर बस स्टॉप पर छोड़ती, तो मुझे अंदर अपनी टाउनशिप तक पैदल 10 मिनट चल के जाना पड़ता, वो भी इतनी भरी बारिश में। और आप किस्मत देखिए, बातों बातों में पता चला कि ड्राइवर भाई साहब कैब को अंदर से ही निकालने वाले हैं, ठीक मेरी बिल्डिंग के नीचे से, सोने पे सुहागा। उनके साथ बात करते हुए सफर काफी अच्छा कटा, उन्होंने मेरी बिल्डिंग के नीचे मुझे ड्रॉप कर दिया, मैंने उन्हें पैसे दिए, उन्हें थैंक यू बोला, और यूं ही बस जाते जाते उनसे उनका नाम पूछ लिया। आपको पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरा नाम ईश्वर है। उन्होंने गियर डाला और गाड़ी ले गए, और मैं एक टक उस गाड़ी को जाता हुआ देखती रही। मैं ऊपर अपने घर आई और मैंने इस बात को प्रोसेस करने में बहुत वक्त लगाया, और खुद से ठीक यही कहा जो इस वक्त मैं आपको कहने वाली हूं। कुछ टाइम पहले तक जो बस मुझे इतनी डेस्परेटली चाहिए थी, जिसके नहीं मिलने पे मुझे थोक के भाव दुख हो रहा था, थोड़े वक्त बाद मैं शुक्रिया कर रही थी कि थैंक गॉड ये बस मुझे नहीं मिली। तो लाइफ भी तो ऐसी है ना यार। तो अगर आपकी भी कोई बस मिस हो गई है तो हताश मत हो, क्योंकि लाइफ के पास आपके लिए ऑलरेडी एक बड़ा प्लान है, वो आपके लिए कैब भेज रही है। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट, सी द लार्जर पिक्चर एंड वेट। हाँ ये इंतज़ार काफ़ी आसान नहीं होता, इसमें दुख होता है, कन्फ्यूजन होती है, पेन, सब कुछ होता है, केओस होता है, पर ये मुश्किल दौर आप ये सोचकर तो काट सकते हो ना कि जो भी आगे मिलेगा इससे तो बेटर ही मिलेगा। तो बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ है ना जो आपको नहीं मिल रहा, या इस वक्त आप गिव अप करने वाले हो, बस एक बात याद रखना कि आपकी कैब रास्ते में है। और जाने से पहले ये चार लाइनें आपके लिए। हिम्मत खत्म है, आंखों में सवाल बहुत है। हिम्मत खत्म है, आंखों में सवाल बहुत है। वो कहता है बच्चे बस थोड़ी देर रुक जरा, मेरी झोली में कमाल बहुत है, कमाल बहुत है।